ये है फर्स्ट मिशन। मेरी पॉकेट मनी खत्म ही होने वाली थी। अच्छा हुआ कि ये खजाने का नक्शा मेरे पास आ गया। खजाने का नक्शा? हाँ, एक दिन मुझे मेरे आंटी से पॉकेट मनी मिली थी। अगर बच्चों को ज्यादा पैसे दिए जाए तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं। लाओ पैसे मुझे दो। इसलिए मैंने वो पॉकेट मनी पहाड़ के पीछे छुपा दी और नक्शा बना दिया। अब मैं वो खजाना निकालूंगा। शायद यही कहीं होना चाहिए। अरे 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 नहीं, निशाना तो गायब हो गया। अब मैं खजाना कैसे ढूंढूं? लाओ मुझे दिखाओ। पेपर, जंगली बिल्ली, खाली कैन। अच्छा तो ये सब है? मैंने इन तीन चीजों के बीच में ही छुपाया था डोरेमोन। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने अब तक सब कुछ खो दिया, अब मैं उस खजाने को कैसे ढूंढूं? देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इस गैजेट को एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से वो सब दिखाई देता है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। इससे क्या होगा? मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जहाँ तुम जाना चाहते हो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट डालो, जैसे कि गहरा समंदर। चलो। यहाँ पर तो अलग अलग मछलियाँ हैं। अब अगला पिरामिड। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा पिरामिड भी। अच्छा, मधुमक्खी का छत्ता भी दिखाई देता है और छोटी सी मशीन भी। मुझमें और इंसान का शरीर भी, देखो। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तो आप बताओ, पहाड़ के पीछे छानबीन करोगे? इसकी मदद से मुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। अब ये क्या है? लगता है स्केल को ज्यादा नीचे सेट कर दिया है। देखो ये हमारी पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है। वो ठीक है, मुझे खजाना दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जरा रुक जाओ, मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर इसकी परत का साइज बड़ा करे तो जमीन और समुद्र दिखता है। यही वो पहाड़ी है। चलो इसे और बड़ा करते हैं। मैं इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता हूँ, तुम ध्यान से देखना। ठीक है। रुको रुको, मुझे कुछ दिखाई दिया। रुक जाओ, ये मेरे पैसों का बॉक्स है। ठीक है, यही मार्क कर देते हैं। तुम पहाड़ी पर वापस जाओ और झंडे के नीचे खुदाई करो। मैं इसे सीधे यहाँ से नहीं ले सकता। ये बस एक तस्वीर है नोबिता, अपना ध्यान रखना। वो बॉक्स यही होना चाहिए। अरे वाह, मेरा मनी बॉक्स मिल गया। ओह मेरा मनी बॉक्स, मैंने सोचा था मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। डोरेमोन तुम मेरे मनी सेवर हो। ये तो बहुत ही अच्छा था। वो गैजेट कहाँ गया? मैंने उसे रख दिया क्योंकि काम खत्म हो गया। प्लीज मुझे वो गैजेट एक और बार इस्तेमाल करना है। उस गैजेट को इस तरह मजे के लिए यूज नहीं करते हैं नोबिता, मैंने तुमसे कहा था ना। दरअसल मुझे वो पढ़ाई के लिए चाहिए। क्या सच में? ये लंबाई है, यहाँ पर चौड़ाई है। जानता हूँ जानता हूँ। वैसे किसकी छानबीन कर रहे हो? वो मुझे चींटी का हिल देखना है। ये तो शिजुका का घर है नोबिता। हाँ पर उसके गार्डन में चींटियाँ हैं, ये देखो। सच में? ये देखो डोरेमोन, मुझे ऐसी खोज करने में वाकई में बहुत मजा आ रहा है। नोबिता, डोरेमोन, मैं तरबूज खरीदने जा रही हूँ, जरा घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ। तरबूज? एक दिन एक अंकल तरबूज खरीद कर लेकर आए, लेकिन वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। उसका छिलका बहुत मोटा था और जूस भी नहीं था। खरीदने से पहले हम उसके अंदर देख पाते तो। अरे हाँ। तुम क्या करने वाले हो? बस तुम देखते जाओ नोबिता। कैसे पता चलेगा कौन सा तरबूज अच्छा है? बस देखते जाओ। अरे हाँ, इस तरीके से हम तरबूज के अंदर देख सकते हैं और सबसे टेस्टी वाला तरबूज चुन सकते हैं। इसका छिलका मोटा है। इसके अंदर जूस नहीं है। इसका रंग अच्छा नहीं है। ये वाला कैसा है? इसका रंग, इसका शेप, इस छिलके की मोटाई, सब कुछ ठीक है।
मैं इस पर झंडा लगाता हूँ। मैं जाकर मॉम को बताता हूँ। तब तक मैं कुछ और देखता हूँ। सोदा वो तो वे नो हुआ मिते मियो। शिज़ुको चान इनाई जानाई का। ママもう出かけた後だった。何見てんだ。いや何も本当に。ये क्या है? ये एक बड़ा माउंटेन दिखाई दे रहा है। वहाँ नीचे गहराई में कौन है? हो सकता है वो चट्टानों में धस गया हो। चलो हम कुछ करते हैं। ये है वो जगह। चलो जल्दी चलो। जल्दी करो। चलो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले चले। हमने सही समय पर मदद की। चलो शुक्र है ये बच गए। अरे वो तरबूज, हमें मॉम को बताना चाहिए। कहिए कौन सा तरबूज चाहिए? बहुत मुश्किल है इनमें से चुनना। हाँ नोबिता, डोरेमोन, तुम सही समय पर आ गए। मॉम जल्दी से आप वो फ्लैग लगा हुआ तरबूज खरीदिए। हाँ ये वाला? हाँ यही वाला। ये वाला बुरा भी नहीं लग रहा। ये वाला, चलिए ये दे दीजिए मुझे। अरे वाह, अरे वाह। पर मॉम आपको कैसे पता चला ये वाला तरबूज मीठा होगा? तरबूज को थपथपाओ तो तुम्हें ये पता चल जाएगा। हमारी मॉम कितनी अच्छी है।